मैं मनीष महाराज और आप देख रहे फैक्ट टुडे। आज हम मौजूद है भाईंदर वेस्ट के रीना मेहता कॉलेज में, जहां पर एक इवेंट हो रहा है जहां पर सभी जो विद्यार्थी रीना मेहता कॉलेज के, उनका प्लेसमेंट रीना मेहता कॉलेज द्वारा दिया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं रीना मेहता कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस गौर से, जो हमारे साथ अभी मौजूद है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सतेंद्र कौर गुजराल, प्रिंसिपल ऑफ रीना मेहता कॉलेज। हमने ये जो जॉब फेयर है अरेंज किया है सिर्फ अपने पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज हमने देखा है कि बच्चों को पढ़ाई के बाद जॉब नहीं मिलती है और बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये आइडिया आया है ताकि हम उनको कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू जॉब दिलाने की कोशिश कर सकें। मैम, ये जो अपना रिक्रूटमेंट है आपका, ये पूरा सिस्टम चालू होने होता है अभी, उसमें कितने फिलहाल अभी बच्चों को मिल चुका है? ये लास्ट ईयर जब हमने किया था, हमारे 200 प्लस स्टूडेंट्स को जॉब मिल चुके थे और वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। और अभी कितने प्लेसमेंट अभी बाकी इनके? अभी हमारे यहाँ जो आज 20 कंपनीज आई है, उनके पास 1000 प्लस ओपनिंग्स है, जो कि सेल्स मार्केटिंग एज वेल एज मैनेजर की पोस्ट अवेलेबल है। ओके, और BMM डिपार्टमेंट के लिए आपके पास क्या फैसिलिटी? BMM के लिए हमारे यहाँ एक मीडिया कवरेज से आए हैं, क्या नाम है कंपनी का, उज्जवल से आए हैं। वो बच्चों को इंटर्न देने के लिए आए हैं। वो बच्चों को ट्रेनिंग भी देंगे, कंटेंट राइटिंग भी सिखाएंगे, एज वेल एज हाउ टू डू द एडिटिंग, वो भी उनको सिखाने वाले हैं। और मैम, आप बता सकती मतलब इस कॉलेज को आपने कितने सालों तक एक सुविधा प्रदान की? लास्ट 5 ईयर से मैं यहाँ पे हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बच्चों को जॉब मिले, और आइंदा भी हम ये कोशिश करते रहेंगे कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा कल्चरल भी एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेने के लिए इंकरेज कर सके, एज वेल एज उनको आगे जाके जॉब भी दिलवा सके। और जो प्लेसमेंट आप करवाते हैं वो आगे जाके कंटिन्यू बच्चे करते या फिर वापस से प्लेसमेंट उनको मिलती है? कंटिन्यू करते हैं बच्चे, कई बच्चे तो वहाँ ऐसी कंपनियों में हैं, हमने जहाँ दिलवाया है कि 5 साल से वो एक ही कंपनी में कंटिन्यूस कर रहे हैं और वो वहाँ पे मैनेजर हो गए हैं अभी। तो आपको काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि हमारे कॉलेज से निकला हुआ कोई चाइल्ड बड़े बड़े कंपनी, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया। हमारा एक बच्चा HDFC में मैनेजर की जॉब कर रहा है, हमारे यहाँ से ही उसका रिक्रूटमेंट हुआ था, हमने ही उसको रिक्रूटमेंट दिलवाया था। तो आपने देखा किस तरीके से रीना मेहता कॉलेज हर साल अलग अलग प्लेसमेंट अपने कॉलेज में लेके आते हैं, और यहाँ के सभी जो छात्र है और छात्रा है सभी को प्लेसमेंट मुहैया करवाती है। अब हमारे साथ मौजूद है रीना मेहता कॉलेज के ट्रस्टी सनी मेहता, जिन्होंने इस काफ़ी यंग एज पे इन्होंने इस मुकाम को पाया है और इस कॉलेज को डेवलप करने के लिए और अधिकतर लोगों तक पहुँचाने के लिए इस कॉलेज का काफ़ी सारा काम इन्होंने किया। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है इन्होंने आकर यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं यहाँ के यूथ के लिए। आइए हम जानते हैं इस रीना मेहता कॉलेज के नए ट्रस्टी सनी मेहता से उनका इस बारे में क्या कहना है। Hi, you know, good afternoon. It's been almost 10 years that I'm part of this educational institute. So yeah, I started very young age. So, but you know, you need a young mind to understand what students need, and that is what I've been doing here. If you talk about infrastructure, yes, RMC has one of the best infrastructures here. Plus, if you see, we do not only focus on, you know, the theory part, we focus on practical knowledge also. Plus, we focus on the social development of a student, you know, what they behave, how they behave outside the institute. We make them learn that part. We take them to orphanages. We take them to, you know, underprivileged children. So they learn, understand what humanity is all about. So at RMC, it is not about studies. It is all about other activities also, whether it's cultural, whether it's social. You know, we focus everywhere. It is tree plantation or, you know, Swachh Bharat, Swachh India. So that's what we focus about, everything. We train students how to, you know, make an impact in this world or in this country and how we can improve it. And about talking about this job fair, you know, unemployment is one of the major issue that India is facing right now. And if we can contribute somewhere in this problem and we can help to solve it up, why not do that? And talking about this job fair, you know, we have internships for the students who are studying. And if a student can earn and, you know, be on his feet by the time he gets out from this college, and he can self-independently pay his own fee, so why not have that experience? You know, when you graduate, you have a
you have like something on your CV. If there are 10,000 students graduating every year from Mumbai University, and a student of mine has the graduation degree plus, you know, job experience of an internship of something, so he always gets a preference, and that's what I teach my students. You know, get experience somewhere it is. It is not about money. It is about always about what you learn from outside. Yeah. Okay, sir, हमारी मतलब public काफी English से भी है, लेकिन हिंदी में भी कुछ जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहिए. ये चीज आप जो आज के बारे में जो फंक्शन आपने उसमें कितनी सारी कंपनी से आपने बुलाई और कितने सारे प्लेसमेंट आपने इस कॉलेज को दिया. राइट नाउ हमने जो बुलाया है वी हैव कॉल्ड अराउंड से 20 प्लस कंपनीज, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 टू 500 ओपनिंग्स हैं. और ये जो प्लेसमेंट ड्राइव है ये खाली आरएमसी के स्टूडेंट्स के लिए हैं करंट विच हु आर इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, प्लस जो हमारे एलुमनाइज हैं जो पास आउट होकर निकल चुके हैं. बिकॉज जो हमारे एलुमनाइज यहाँ से जाते हैं हम उनको स्टिल हमारे आरएमसी के फैमिली का एक पार्ट कंसिडर करते हैं, और अगर हम उनको जॉब दिला सकते हैं तो हम क्यों नहीं. सो यू नो इसकी वजह से हमने जॉब प्लेसमेंट ड्राइव रखी है. जो स्टूडेंट्स टीवाई करके निकले हैं वो भी पार्ट ले, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्ट ले, ताकि पढ़ाई पढ़ाई के साथ में दे अर्न एज वेल. सर आप कुछ बातें आपके एजुकेशन पे बातें करेंगे, जो आपने कहाँ से अपनी एक शिक्षा जो स्टडी आपने कहाँ से पाई है, और स्टडी पाने के बाद आपने इस कॉलेज को एक बोलते ना कि आपने जो पढ़ा है वो इस कॉलेज को आप पढ़ाएंगे, उस चीज़ के बारे में. मैंने अंडर ग्रेजुएशन किया है BMS में फ्रॉम लाल लाजपत राय कॉलेज हाजी अली के सामने है, फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. तो आई स्पेशलाइज इन मार्केटिंग. फिर मैंने MMS MBA किया है अगेन फ्रॉम द सेम कॉलेज, अगेन आई स्पेशलाइज इन मार्केटिंग. वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने UK से MSc इंटरनेशनल बिजनेस किया है फ्रॉम एस्टन यूनिवर्सिटी. सो माई कोर्स वॉज रैंकिंग नंबर 1 इन यूरोप, यू नो. तो दैट इज़ माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सो आई वॉज वर्किंग इन लंडन, बट यू नो आई थॉट वाई नॉट कम बैक, एंड एज माई यू नो द इंस्टीट्यूट वॉज देयर, एंड इफ़ आई कुड डू समथिंग जो मैं बच्चों के लिए अपने देश के लिए इफ़ आई कुड डू यू नो इम्प्रूव द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम. सो आई यू नो मैंने वो करने की ट्राई की है, एंड दैट्स वाई लेफ्ट एवरीथिंग फ्रॉम लंडन एंड केम बैक टू इंडिया. तो आप अपने कॉलेज को कुछ सालों में किस बुलंदियों तक पहुँचाना चाहेंगे? बोलते मुझे ज्वाइन करके 10 साल तो हो गए हैं. जब मैंने ज्वाइन किया था वो टाइम पे RMC का ब्रांड नेम तक नहीं था इतना, बट आज यू नो वी आर रैंकिंग समवेयर एट नंबर 1 और नंबर 2 इन ऑल ओवर सबर्ब्स. सो दैट इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट यू वांट टू गेन इन नेक्स्ट 5 years, आई थिंक व्हाट वी आर यू नो यू विल सी अस मे बी ग्रोइंग 10 times मोर फास्टर. या आप काफ़ी यंगस्टर, मतलब इस ऐसा कोई कॉलेज में पहला ट्रस्टी जो काफ़ी यंग है, इस भी आपसे मतलब आपके कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स हैं, हाँ, आपकी बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके सुनते होंगे, समझते होंगे. सुनते हैं, एज डिस्काउंटिंग भी होती है कि यंग है एंड यू नो दे कुड जस्ट टेक मी फॉर अ राइड और फॉर ग्रांटेड, बट हमारी बात सुनेंगे. यस, दे लिसन टू मी बिकॉज इट इज़ नॉट विथ फियर. They listen to me is out of respect, because that is respect I have gained among my students. अगर मैं उनको प्यार से एक चीज़ बोल दूंगा, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स कभी भी आके वो चीज़ मेरे लिए करके जाएंगे, एक इंस्टीट्यूट के लिए करके जाएंगे, क्योंकि मैं उनसे कभी गलत चीज़ें नहीं करवाऊंगा. और जो मैं अगर काम भी उनको देता हूँ करने, वो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिशियल और बेनिफिट आगे करता ही करता है. सर कुछ बातें शिक्षा पर पूछेंगे कि जो यूनिवर्सिटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा कुछ सालों में गिर चुका है, इसके बारे में यू नो यूनिवर्सिटी में कमेंट तो मैं नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं कोर्सेज और पैटर्न्स और यूनिवर्सिटी चेंज करे जा रही है. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कहीं बुरी भी हैं, बट हम जितना ट्राई करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें यूनिवर्सिटी ला रही है हम उसको इम्प्लीमेंट करें, और जहाँ यूनिवर्सिटी हमको लगता है कि हाँ ये चीज़ नहीं कर पा रही, हम स्टूडेंट्स को वो नॉलेज बाहर से देते हैं. क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज देखो तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज और जो आज की दुनिया में जो चीज़ें चलती हैं वो चाहिए होती हैं, तो उस चीज़ के लिए हम उनको फिर सेमिनार्स हैं, गेस्ट लेक्चर्स हैं, जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं उनको हम यहाँ बुलाते हैं और वो टॉपिक के ऊपर हम उनको पढ़ाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया रहे बाहर निकल के कि ये चीज़ें भी हैं. सर जाते जाते कुछ एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि आप फैक्ट टूडे के ज़रिए आप अपने स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा, जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं कॉलेज में या कहीं बाहर भी होती हैं, पार्टिसिपेट करें, एक इंटर्नशिप करें, एक जॉब करें अपने पढ़ाई के साथ में, बट
at the same time see to it that your job or your work is not affecting your studies, because education is number one priority for you students. But at the same time, you get a knowledge or you get a hand-on experience, so that once you complete your degree, you know, you have an added advantage, you know, when you step out of the institute, and your recruitment becomes very easy. Yeah, that's it. Thank you very much. रेडी तो आपने देखा किस तरीके से रीना मेहता कॉलेज के जो नए ट्रस्टी है सनी मेहता ने अपनी बात इस फैक्ट टुडे के जरिए आप लोगों तक पहुंचाई, और इस कॉलेज को किस तरीके से आगे नई नई बुलंदियों तक लेके जाएंगे इस कॉलेजेस को। और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फैक्ट टुडे।